2024 के चुनावों से पहले कांग्रेस विपक्ष के समक्ष कार्यक्रम करने जा रही है। इसी को लेकर आज यमुनानगर के प्रभारी और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 अप्रैल के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की, तो वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा और सबसे बड़ी रैली होगी। प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के 2 पहलू होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष जब अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल रहे तो फिर दूसरे पक्ष की भी जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों में बीच में जाए, लोगों को शंकित करके सरकार को मजबूर करे कि वो लोगों की बात सुने। आज की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पे विफल है। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा देने में विफल रही, युवाओं को रोजगार देने में विफल रही। आज आप देखते होंगे किस प्रकार से सड़कों की हालत है, हर चीज में विफल रहेगी, नशा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने एक नई पहल शुरू करी, विपक्ष आपके समक्ष। उसी कड़ी में 2 अप्रैल को यमुनानगर जिले में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम अनाज मंडी के अंदर होगा। उसके जिले के लिए आज कांग्रेस पार्टी की जिले की मीटिंग रखी है और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक जितने प्रोग्राम हुए सबसे बड़ा प्रोग्राम उस दिन होगा, क्योंकि लोग आज विकल्प जो है वो कांग्रेस पार्टी को मान रहे हैं। ये मान चुके हैं कि ये सरकार तो कुछ कर नहीं रही, तो जो आस है लोगों की वो कांग्रेस पार्टी को है। और मैं एक दावे से कह सकता हूँ जो रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली यमुनानगर की हुई, और उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी।